गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं 6 और हम लोग 5 बजे के उठे हुए हैं। हमने सोचा हम वॉक पे जाएंगे, लेकिन बाहर देखिए मौसम कैसा है, बहुत बारिश हो रही है। इनफैक्ट पानी पूरा जमा हुआ है नीचे, तो वॉक पे तो अब मुझे नहीं लगता हम लोग जा पाएंगे। हम लोग कहीं बाहर घूमने का प्लान कर सकते हैं। वॉक पे हमारा जाने का प्लान था, बट वो प्लान कैंसिल करना पड़ा क्योंकि रात भर बारिश हुई, मॉर्निंग में भी बारिश हो रही है। और आपको मैंने दिखाया भी, पूरा पानी नीचे जमा हुआ है, लगातार बारिश हो रही है। तो अच्छा, मुझे एक वाइट बाल भी दिख रहा है। वाह, मुबारक हो। चलो कोई नहीं, इसका तो करेंगे कुछ ट्रीटमेंट बाद में। तो ये है बारिश का अपडेट। अब वॉक पे तो हम नहीं गए, वीकेंड भी है तो कहीं घूमने का प्लान करते हैं। लेट्स सी, मानस आता है फिर प्लान करते हैं। तो नहीं, नहीं, बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? चलते हैं, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, घूमने चलो। ड्राइव ही करके आ जाएंगे तभी मजा आ जाएगा। कुछ ऐसे जनरली अभी खुला तो नहीं होगा इतना सुबह, लेकिन ड्राइव करके आते हैं। चलो कहीं चलते हैं ड्राइव पे, इसके बाद चटपटा से ब्रेकफास्ट करते हैं। यार मैं कैसी लग रही हूँ? सुंदर लग रही हो। तुमने बाहर का मौसम दिखाया है सबको? तो बहुत सारे डिस्कशन के बाद फाइनली हम घर से निकल चुके हैं। मानस अपना बाल बना रहा है और कहाँ जाने वाले हैं अभी फाइनली डिसाइडेड नहीं है। कहाँ जाने वाले हैं, अब देखते हैं सेल आगे का व्यू। कहाँ जाना है ये डिपेंड करता है इस पे कि तुम्हारा क्या खाने का मूड है, है ना? आपको चाइनीज खाना है, आपको कॉन्टिनेंटल खाना है, आपको देसी खाना है, आपको बिहारी खाना है, आपको बंगाली खाना है, आपको साउथ इंडियन खाना है। इतने खाने का समय बात कर रही है करीब 7:30 बजे। अब हम सो के उठते हैं 5 बजे, तो हमें 7 बजे तक तो भूख लगी जाएगी ना। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, 9-10 बजे तो है, 9-10 बजे अभी कुछ भी मिलेगा तो उसको ठेला में कुछ मिलेगा तो वो सब अब हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो ठेला में भी कुछ अच्छा बनाए ना तो वो भी खाएंगे ना, क्या हो गया। बारिश का अच्छा मौसम है यार। पकौड़ा वकौड़ा अच्छे कहीं फ्राई करे तो उसमें भी बैठ के खा सकते। पकौड़े चाय से शुरुआत करो पहले। शुरुआत दिन का हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो बस हम लोग निकल गए, लेकिन कहाँ चलते हैं ये भी पता नहीं है। तो चलिए अब साथ साथ हमारे जो भी डिसाइड करते हैं वो आपको बताते हैं, और मैं अपना कैमरा बैक करके आपको एक बार बाहर का मौसम का भी अपडेट दे देती हूँ। ऐसे बारिश के मौसम में मैंने से गाना सुना रहा है, कौन सा गाना माना? अभी जिंदा हूँ तो पी लेने दो। जी लेने दो यार, जी लेने दो है। अभी जिंदा हूँ तो पी लेने दो, भरी बरसात में जी लेने दो। अच्छा, तो आरंभ कीजिए। बहुत लोगों का बहुत खतरनाक वाला फेवरेट गाना है ये। तो गाना ऐसे है, हो बरसात के मौसम में दिन, दिन, मैं म्यूजिक दे रही हूं। तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अब जिंदा हूँ तो पी लेने दो, पी लेने दो, भरी बरसात में जी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो पी लेने दो, पी लेने दो, भरी बरसात में जी लेने दो। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो। बहुत सारी खोजबीन के बाद हम आ गए हैं नोएडा के ब्रह्मपुत्र मार्केट में कुछ खाने के लिए। और मार्केट एक तरफ से सारे शॉप्स बंद हैं। हमने सोचा था कि हम छोले भटूरे, जलेबी और कुछ
हेल्दी खाना ये सारा हेल्दी खाना आज खाएंगे लेकिन जो मार्केट है वो पूरी तरह से बंद है, शॉप्स बंद है, लेकिन फिर भी मंदिर जा कर के देखते हैं अगर कुछ खुला हो तो कुछ खाते हैं और आपको दिखाते हैं क्या हम खा रहे हैं। चलिए प्रस्थान कीजिए। ये शॉप्स बंद क्यों है यार, सुबह के 9 बज रहे हैं, बारिश हो रहा है, कैसे खुला रहेगा? ये अंदर फूड जॉइंट्स तो खुला होना चाहिए, सुबह के 9 बज रहे हैं यार, कोई बहुत अर्ली मॉर्निंग में नहीं आए हुए। तो ये हमारा खाना आ गया है, छोले भटूरे का बेस्ट ब्रेकफास्ट है। हाँ ये देखिए बड़े प्यार से ये छोले भटूरे यहाँ बना रहे हैं, ये देखिए ये है और ये है हमारा छोले भटूरे। पर्टिकुलर ये जो बनाते हैं रोड के जस्ट बाहर, ये बहुत फेमस है क्योंकि कंटेंट इसमें तुम देखो छोले हैं, ये आम का अचार भी है, चटनी है, मिर्च है, छोले है, आलू है और भटूरे। ये गर्मा गर्म जाएगा मेरे मुंह में। सबसे सारा वाली ड्रामा बहुत अच्छा। तो ये हमने छोले भटूरे जो है भरपेट खा लिया है ब्रह्मपुत्र मार्केट से नोएडा, और अब जो ये है हमारी कुल्लड़ वाली चाय, अब ये चाय पीते पीते हम निकल पड़ेंगे घर के लिए। तो खाना पीना हमारा हो गया है और ये है हमारी चाय, चाय देख लीजिए। हाँ। खाना तो अच्छा था, छोले भटूरे अच्छा था इनका। शाम तक कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम घुसते हैं ये ब्रह्मपुत्र मार्केट, सबसे पहले एक लेफ्ट साइड में एक छोले भटूरे है, वो बहुत ही अल्टीमेट। नोएडा का कौन सा सेक्टर है? ये है सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन, इसके आसपास में है। उसके आसपास में आप ब्रह्मपुत्र मार्केट पता करेंगे तो वहाँ पर आप। यहाँ पे बहुत सारे फूड जॉइंट्स हैं लेकिन वो इवनिंग में जनरली खुले हुए रहते हैं, अभी उसके लिए थोड़ा सा हम सुबह आ गए हैं। तो ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा छोले भटूरे का जो हमने आपको बताया वो बहुत अच्छा है, और ये कुल्लड़ वाली चाय पीते पीते हम घर के लिए निकल रहे हैं। और रास्ते में कुछ छोटी मोटी शॉपिंग करनी है हम लोग को, देखते हैं अगर हुआ तो शॉपिंग करेंगे वरना स्किप मारेंगे। खाना पीना सब खाने के बाद अब हम आ गए हैं मॉल में, जो कि है ये कौन सा मॉल है माना, ये गौर सिटी मॉल में हम आ गए हैं, जो कि मुझे लग रहा है सुबह सुबह यहाँ पे पहुँचने वाले हम पहले कस्टमर हैं इनके, है ना? नहीं कुछ लोग और भी दिख रहे हैं, बाकी साफ़ सफाई हो रही है और ये हम यहाँ पहुँच चुके हैं गौर सिटी मॉल। वाओ बहुत सुंदर, देखो कितना सुंदर बनाया है, है ना? बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। ताजमहल है ना? नहीं कुतुब मीनार है। ये YouTube पे मेरा वीडियो जा रहा है, लोग तुमको ट्रोल करने लगेंगे। कोई बात नहीं, ट्रोल तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। बहुत सुंदर बनाया है। चलो चलिए, सबसे पहले हम कहाँ चल रहे हैं? डीकैथलॉन, डीकैथलॉन किस तरफ है? ग्राउंड फ्लोर पर लेकिन खुला है या नहीं उसके ऊपर तो बंद है। ज़्यादा तो बंद होगा तो फिर हम लोगों को यहाँ से लौटना पड़ेगा। नहीं लेकिन मॉल खुलने का टाइम क्या है? सुबह देखते हैं, टाइम तो 10 बजे से। नाइस ब्रेकर। सुबह सुबह हम मॉल आ गए हैं लेकिन सब कुछ बंद है, हमें आधे घंटे वेट करना पड़ेगा तब सब कुछ खुलेगा। यार सब लोग इतने लेट क्यों उठते हैं, मैं जल्दी क्यों नहीं उठते माना? वाओ स्नेहल, अभी एक महीना हुआ नहीं है, जल्दी उठते हैं। एक महीना नहीं, 3 महीना हो गया सुबह उठते उठते। सब लोग जानते हैं, मैंने वीडियो डाला था अपना, मैं कब से सुबह उठ रही हूँ। तो अभी हमें आधे घंटे वेट करना पड़ेगा, उसके बाद सब कुछ खुलेगा। तो आधे घंटे में आपको जरा मॉल का पूरा आपको यहाँ की ब्यूटी है वो दिखाती हूँ। 10:45 खुलने वाला लेकिन पता लगता नहीं है, उम्मीद कम है कि 10:45 खुलेगा।
मिल गया हम लोग को हमारा फोटो पॉइंट, फोटो बूथ। आ जाओ मानस, किसी को बुलाओ, यहाँ हमारी फोटो खींचेगा। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है हैप्पी एनिवर्सरी, तो हमारी एनिवर्सरी तो आज नहीं है, तो हम कैसे यहाँ पे फोटो खिंचवाएं? तुम भी मेरे साथ बैठो, फिर हैप्पी एनिवर्सरी के लिए पोज कर लो एक, ये वाला यहाँ फोटो खिंचवा लेंगे और 95 को डाल देंगे। आज ये फोटो खिंचवाते हैं अपनी एनिवर्सरी पर, यहाँ पर डाल लेंगे, क्या बोल रहे हो? ठीक है चलो बैठो, किसी को बोलो हमारी फोटो खींच देगा। अच्छा अच्छा बनाया है, लेकिन अच्छा लग रहा है ना, वेरी नाइस ब्यूटीफुल। हम सबसे पहले डीकैथलॉन मानस के लिए शॉपिंग करनी है। टी शर्ट देख रहे हो क्या? केप्री? अच्छा तुमने दो साइड किया है ना, ये ब्राउन और ये क्या बॉटल ग्रीन है कि ग्रे है? ट्राई कर लेना मानस पहले एक बार। ग्रे कलर वाला ना, तो वो नहीं ले रहे हो? बैग नहीं ले रहे हैं फिर हम? एक मैं वाटर बॉटल देख लूं क्या? मिल्टन का नहीं इनके पास? चलो मतलब ये ना लो, बैग नहीं ले रहे हम। अरे गर्ल्स का सेक्शन किधर है भाई? ये मतलब हमारे पास ऐसा बॉटल का, ये क्या हो? ये वाला बॉटल ग्रीन और ब्लू कलर का, ये पूरा मुझे लग रहा बॉयज सेक्शन है। गर्ल्स का, गर्ल्स का ऊपर है, किधर ऊपर जाने का रास्ता? सिर्फ अपने लिए शॉपिंग करो तुम। ये भी अच्छा माना, इसमें डार्क ब्लू कलर अच्छा लग रहा है। तो मानस ये आउटफिट ट्राई करके आ चुका है ना, मुझे लग रहा है तुम्हारा ये जो टॉप है ना, ये बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है। हाँ हाँ, इससे थोड़ा बड़ा साइज ले सकते हो। और पैंट, पैंट अच्छा लग रहा है ना, पैंट अच्छा लग रहा है। हाँ टी शर्ट टाइट हो रहा है। ये पैंट क्या कम्फर्टेबल है? हाँ तुमने सबका वेस्ट चेक करो, हमारा वेस्ट सही है। मुझे लग रहा है जो तुमने टी शर्ट पहना है ना, ये एक साइज या दो साइज और बड़ा होना चाहिए, तुमको ऐसा लग रहा है? हो सकता है। हाँ एक दो साइज बड़ा ले सकते हैं, और पैंट मेरे को दोनों बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारी सारी शॉपिंग हो गई है डीकैथलॉन, आज हम आए थे और वहीं से हमने सारा स्पोर्ट्स वेयर खरीदा है। जिम जाना नहीं है, लेकिन जिम वेयर खरीदा है। तो हमारी शॉपिंग हो गई है, उसके बाद हम निकल पड़े हैं घर की तरफ। मानस ने भी शॉपिंग कर लिया, मैंने भी कर लिया। तुम सेटिस्फाइड हो? अरे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया क्वालिटी का सामान सारा मिलता है। और मानस का फेवरेट है डीकैथलॉन, उसको स्पोर्ट्स वेयर लेना होता है वो डीकैथलॉन ही आता है। तो आज मैंने भी कुछ चीज़ें खरीद ली अपने लिए। तो बस हम चलते हैं घर, उसके बाद देखते हैं आगे क्या प्लान है आज का।